वेलकम फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड ज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि स्टील के जो ग्रेड होते हैं वो Fe 415, 500 आपने सुना होगा, या फील्ड में जाएंगे तो सुनेंगे, तो ये क्या चीज होती है Fe 415, Fe 550, Fe 600 या Fe 415D, 500D, Fe 550D, ये क्या चीज है? तो इसके बारे में आपको Fe क्या मतलब है। Fe का मतलब होता है सुसाइड मिनिमम 0.2% प्रूफ है यील्ड स्ट्रेंथ। मिनिमम जो है 0.2% स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ, वो भी वो Fe को डिनोट करती है, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करती है Fe, ठीक है। और 415, 500, 550, 600 ये क्या चीज है, ये होगी यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। तो Fe मतलब यील्ड स्ट्रेंथ 415 है उस स्टील की। अब जो लेटेस्ट यूज आ रही है उसमें ये डी यूज हो रहा था, तो डी क्या होता है, डी होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब ये होता है ये स्टील बार्स को हायर परसेंटेज प्रोवाइड करती है, मतलब कैसे हायर परसेंटेज प्रोवाइड स्टील बार्स हायर परसेंटेज एलोंगेशन। अगर कोई भी स्टील बार जो है हाई टेम्परेचर पे जितनी एक्सपांड होती है जो अपन उसको खींचते हैं, तो जो ये डी जिस बार में डी होता है इसका मतलब वो ज्यादा एक्सपांड हो सकती है। तो वो डिटेलिंग में आपको आगे टेस्ट जो करेंगे फील्ड टेस्ट वगैरह करेंगे उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले अपन चलते हैं इसमें एलोंगेशन जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, एलोंगेशन को बताते हैं। एलोंगेशन यानी दीर्घीकरण, मतलब ज्यादा लंबा खींच जाना उसको, रॉड को ज्यादा खींचते, वो क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए टेंसाइल टेस्ट पीस अंडर स्ट्रेस एंड एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल गेज ऑफ स्टैंडर्ड पीस। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ की टेस्ट करते हैं तो एक मीटर जो भी बार होती है वो 8 mm, 10 mm, 12 mm जो भी बार होगी वो आगे में डायरा का बताऊंगा डिटेलिंग, तो वो बार का एक मीटर का टुकड़ा लेते हैं अपन उसको और उसकी जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट के अंदर जो वो कितना परसेंट तक वो एक्सपांड होता है उसके बाद वो टूट जाता है, जहां पर वो टूटता है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो अगर ये नॉर्मल Fe 415 है तो सपोज वो 10% एक्सपांड हुआ उसके बाद वो टूट गया, तो 415D अगर होगा तो हो सकता है वो 12%, 14% तक एक्सपांड होके फिर वो टूटेगा, मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लेकिन उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां पे इसलिए एलोकेशन वर्ड हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो Fe 415D इन सब का मीनिंग ऐसे बता दें, Fe मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और 415 हो गई यील्ड स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ और उसके बाद एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है और कैसे अपन को डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये Fe 415 और Fe 415D में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं अभी आपको बता दूंगा। अब मैं आपको जो ग्रेड में जो डिफरेंशिएट है इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। ग्रेड जैसे आपने लिख दिए Fe 415, 415D, 500, 500D, 550, 550D एंड 600। अब इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये अपन बताएंगे आपको, इसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मैं बताऊंगा आपको, एलोंगेशन क्या है और केमिकल कंपोजिशन है। पहले अपन इस पे आते हैं 415, जैसे इसमें लिखा 415 अपने पहले बताया था यील्ड स्ट्रेंथ होती है, तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी नॉट लेस देन 485, मतलब 485 से कम नहीं होनी चाहिए, और इसका एलोकेशन कितना हो गया 14.5, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का मैं बाद में आपको समझूंगा क्या चीज है। अब लेते हैं 415D, देखिए इसमें भी 415 है, तो इसके अंदर देखिए यील्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम रहेगी, मतलब 415 ही रहेगी, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, ये भी नॉट लेस देन 485, तो इन दोनों में कोई यहाँ डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस क्या आया, अपने जैसे पहले बताया एलोंगेशन, ठीक है, इसका एलोंगेशन कितना होगा 14.5, ठीक है, और इसी का 18% ये परसेंटेज में, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये इसके डी और इसके बीच में डिफरेंस है, तो ये चीज एलोकेशन जो है वो इनमें परसेंटेज में इतना डिफरेंस आता है। अब आता है Fe 500, सिमिलरली 500 मतलब 500 होगा यील्ड स्ट्रेंथ,
और अल्टीमेट टेंशन रेजिस्टेंस कितनी होगी, नॉट लेस देन 4545, ठीक है। इसी तरह से 500 डी का यील्ड स्ट्रेंथ सेम 500 और अल्टीमेट टेंशन रेजिस्टेंस नॉट लेस देन 545। अब इनमें भी देखो, अब यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, यहां डिफरेंस है एलोंगेशन में। एलोंगेशन 500 का कितना 12% और 500 डी का कितना 16%, ये बेसिक डिफरेंस है। अब फील्ड में भी जनरली ये देखिए, अभी अपना जो काम आने वाली है वो 500 डी आ रही है, अब आती है 550 डी, 550 एंड 550 डी, सेम सिमिलरली 550 हो गया और फाइव नॉट लेस देन 585। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये 550 तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, लेकिन 585 और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा एडवांस आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये आप जैसे आप वीडियो देखेंगे और ये चीज का आप दिमाग में रखेंगे तो वहां आप कभी सिलेक्ट होते हैं एज ए फ्रेशर जाते हैं तो वहां जो भी सीनियर इंजीनियर वगैरह होंगे उनके सामने अगर इस चीज का आपको नॉलेज होगा तो उनको लगेगा नहीं आपको नॉलेज है, ठीक है। थ्योरी नॉलेज भी आप रखते हैं और आपको आइडिया है कि क्या है, 500 तो वो सोचेंगे कि भी कोई भी बता सकता है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट टेंशन रेजिस्टेंस है नॉट लेस देन 545 है या 550 की है नॉट लेस देन 585 है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी चीज आप एक अच्छी तरह से याद कर ले और समझ ले इस चीज को। इसमें भी सेम वही हुआ, डिफरेंस यहाँ कोई नहीं है, डिफरेंस यही आया एलोंगेशन में, इसका 10% एलोंगेशन हुआ, इसका 14.5% हुआ। सिमिलरली FE600 है तो इसका वही यील्ड स्ट्रेंथ 600 और अल्टीमेट टेंशन रेजिस्टेंस नॉट लेस देन 660 और इसका एलोंगेशन 10%। अभी यहाँ पे एक और चीज आई है, एलोंगेशन कैसे निकालेंगे, 5.65 √A। ये रूट ए क्या है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कोई भी चीज का जो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 5/4 रॉड है, रॉड कैसी राउंड होती है तो सर्किल का क्या होता है एरिया का 5/4 डी स्क्वायर, डी क्या होता है 5, पाई की वैल्यू क्या 3.14 और डी का डाया होता है एमएम में, डाया बाहर, ये जैसे बाहर है उसका आउटर से आउटर ये डाया हो गया, ये डाया हो बाहर हो गया, तो ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, तो ये इससे परसेंटेज इससे कैलकुलेशन होगी इसमें। अब जो ये मैंने केमिकल कंपोजिशन का बताया ये है मैन्युफैक्चरिंग के कारण। अगर आपको कहे कि भाई 5415 और 415 डी, ठीक है आपने ये तो बता दिया कि इसका एलोंगेशन नहीं होता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब उसमें क्या चीज ऐसी कम ज्यादा डालेंगे या क्या करेंगे जिससे उसकी वो आपको 415 चाहिए या 415 डी चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए जैसे केमिकल कंपोजिशन और भी हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है, लेकिन अपने को मेन जो है कार्बन कंटेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक, कि भी वो Fe415 में कार्बन कंटेंट है 0.3% होता है, Fe415D में कार्बन कंटेंट 0.25% होता है। तो ये देखिए कार्बन कंटेंट में डिफरेंस आया है, ठीक है, ये इसमें सिमिलरली 500 के अंदर 0.3% होता है, 500D के अंदर 0.25% होता है, सिमिलरली 550 के अंदर 0.3% कार्बन कंटेंट होता है और Fe550D में 0.25, सिमिलर 600 में 0.3% कार्बन कंटेंट होता है। तो ये एक आपको फील्ड के अंदर इतना ही नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ठीक है इसमें कार्बन कंटेंट का ये डिफरेंस होता है। तो ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि आपको कंपोजिशन है केमिकल कंपोजिशन अगर आइडिया हो तो बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या डिफरेंस है मेनली, या इसको अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको अपन कम ज्यादा इसमें डिफरेंस आती है। तो ये मेन केमिकल में कार्बन को अपन लेते हैं कि मेन अपन कार्बन कंटेंट होता है और उसी का डिफरेंस मेनली होता है, वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि जनरली ये इतना इजी और इम्पोर्टेंट सवाल है और हर सिविल इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कई जने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। वो होता है पर मीटर वेट ऑफ बार, किसी भी बार का, जैसे आपको 1 मीटर की बार है 8 mm की, 10 mm की, 12, 16, आपको उसको पर मीटर वेट, अब देखिए बार इतनी लंबी होती है, 12 मीटर लंबी होती है बार, अब वो कोई अपन तोल तो सकते नहीं कि उसको ले जाके अपन कहीं तोल के आएंगे या उसको वेट करके आएंगे, वो नहीं कर सकते। तो उसका एक स्टैंडर्ड टेबल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे अपन को कितनी भी लेंथ हो बार की उसको अपन पर मीटर वेट निकाल सकते हैं। और ये कहाँ काम आएगा कि जब आप कोई भी
फील्ड में जाएंगे और वहां आपको एक ड्राइंग दे दी जाएगी, बोला जाएगा इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाओ। अब आप सोचेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल ये होता है कि उस स्ट्रक्चर को बनाने में जितना भी स्टील काम आता है उसकी सारी डिटेलिंग उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में बनती है। उसमें 8 mm के कितने स्टील काम आएगा, 10 mm का कितना मीटर स्टील काम आएगा, उससे अपन क्या करेंगे मीटर में लेंथ निकल जाएगी उसकी। उस मीटर में लेंथ आ गई, अब उसको आप बाजार में स्टील लेने जाते हैं तो आपको मीटर में तो मिलेगा नहीं, वो स्टील कैसे केजी में मिलता है या उसका आपको वैल्यू पेमेंट करना तो केजी में करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये होता है बार बेंडिंग शेड्यूल का आपको ध्यान होना चाहिए। बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ड्राइंग दे दी, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल दिया, बार बेंडिंग शेड्यूल से स्टील निकाल दिया। अब स्टील से आपको क्या करेंगे, स्टील का वेट निकालना है आपको, स्टील पर मीटर। तो पर मीटर वेट कैसे निकालते हैं उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, क्योंकि जनरली जो टेबल होती है वो टेबल क्या होता है लोग रट लेते हैं और वो टेबल भूल जाते हैं और वहां पे उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो बेटर वो है कि आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले से आप कैसे भी डाया होगा वो आप उससे आप उसका पर मीटर वेट निकाल सकते हैं। पर मीटर वेट निकालने के बाद अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि स्टील के जो वेंडर्स आते हैं मार्केट में वो आपको कह देंगे कि आपको कोई कॉन्ट्रेक्टर है या कोई भी ओनर है वो कह देगा कि हमको कितने बंडल 10 mm के मंगाने हैं, कितने 12 mm के। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, केजी में तो आपने ठीक है कह दिया इतना केजी चाहिए इतना टन चाहिए, लेकिन वो कितने बंडल्स आएंगे उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन वो आपको आनी चाहिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो बार कितनी, एक 10 mm की है तो एक बंडल में कितने पीस आते हैं, एक बार का जो एक जो पूरी रॉड होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, और 12 mm में 16 mm में कितने बंडल आते हैं, मतलब बंडल एक बंडल में कितने पीस आते हैं, वो सब चीजें कैलकुलेशन होने के बाद फाइनली आप ये बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना स्टील चाहिएगा, इतना केजी स्टील चाहिएगा, इतना एमएम का स्टील, इतने बंडल चाहिएगा, ये सारी चीज निकाल सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम एज ए फ्रेशर लड़कों को बहुत कम नॉलेज होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो फील्ड में गए हुए नहीं होते हैं, वो थ्योरी पढ़े होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज आपको आती है तो आप फील्ड में कोई भी काम होगा वो इजीली कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रमोशन और अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। इवन इंटरव्यू में अगर इस चीज का आपको नॉलेज होगा, आपको पहले से इसका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो आपको एग्जाम में हुआ या आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कैंपस इंटरव्यू होता है, उसमें इस चीजों में आप एक मास्टरी होने से आप एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो उसका अपन आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको इन चीजों की डिटेलिंग करूंगा मैं आपको, तो वो चैप्टर आप मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चाहे आप फोरमैन हैं, सुपरवाइजर हैं, तो भी इस चीज का आप इसमें नॉलेज ले सकते हैं, और ये फील्ड में काम आने वाली चीज है, और इसको अपना से नॉलेज के हिसाब से भी अपने को सेव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।